नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। बछवाड़ा प्रखंड में कल चुनाव होने हैं और उस चुनाव में एक सबसे महत्वपूर्ण पंचायत जो है, जो सबसे हॉट बना हुआ है, वो है दरगाहपुर गोधना पंचायत। गोधना पंचायत इसलिए हॉट है क्योंकि वहां के जो प्रत्याशी हैं उनके विषय में कहा जा रहा है कि काफ़ी दबंग जैसे शब्द उनके साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही वहाँ जो निवर्तमान मुखिया हैं उन्होंने किस तरीके की लड़ाई लड़ी, विकास के कौन कौन से कार्य हुए और किस तरीके की विकास को उन्होंने योजनाओं से अलग हट करके किस तरीके के विकास को करने का काम किया है, ये तमाम चीज़ों को रखा है निवर्तमान मुखिया सुमंत कुमार। जी हाँ, ये सुमंत कुमार ने बताया कि करप्शन से उन्होंने कैसे लड़ा है। उन्होंने बताया कि योजनाओं के विकास को लेकर के बात की है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के विकास के अलावे सामाजिक विकास, बच्चों के मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास जैसी विरासत को भी संभालने का पूर्ण कार्य किया है। ऐसे में आपको सुनना चाहिए कि गोधना पंचायत के निवर्तमान मुखिया सुमंत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। जरा सुनिए कि सुमंत जी ने क्या कुछ कहा है। काम करते हैं वो अपना सभी लोग के नॉलेज में है, लेकिन हम लोग तीन चार व्यक्ति, एक हम ही अकेले नहीं, तीन चार आदमी हैं हम लोग टीम बना के। और पंचायत में जिस दिन उपचुनाव में मेरी पत्नी जीती, कल होके ही भ्रष्टाचार मिटाने का काम किए और उसके लिए सारी व्यवस्था किए कि कैसे इसका मास्टर प्लान तैयार किए। और मास्टर प्लान के तहत हम लोग तीन चार आदमी लग गए कि इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है ताकि जनता का भरोसा हम पर हो कि हमारा काम बिना पैसा लिए हुए हो जाए यहाँ से ब्लॉक तक। और इस व्यवस्था को सुधारने में हम लोग तीन चार आदमी रात दिन घूम करके लोग का विश्वास जीते कि काम हम करा देंगे बिना पैसा का, दलाल के पास आप मत जाइए। पूरे दलाल के गिरफ्त में इस पंचायत को डुबाए हुए था और सरकारी तंत्र और दलाल मिल करके इस पंचायत को भ्रष्टाचार में लूट रहा था, वीडियो के नाम पर, फलना के नाम पर, चाहे जो भी हो, दलाल का बोलबाला था। दस्तखत भी किसी ग्राम सेवक, किसी पंचायत के कर्मी से कराना था, उसमें भी 200 400 500 रुपया लगता था। ये स्थिति थी इस पंचायत की, कोई कर्मी आता नहीं था पंचायत में, ये स्थिति बनी हुई थी। जनता से उसको भेंट नहीं होता था। साथ ही एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि इसको सबसे बड़ा कमी को हम इस स्तर से दूर किए कि जनता और जनप्रतिनिधि को डायरेक्ट किए कि कोई भाया मीडिया बीच में नहीं रहेगा कि मेरा भाई है, मेरा सहयोगी है, मेरा ये है, मेरा वो है। पंचायत में घूम घूम कर लोग को कहे कि हमारे साथ भी जो व्यक्ति चल रहा है, मेरे परिवार का भी जो व्यक्ति है, यदि 2 रुपया के लिए आपको बोलता है तो आप हमको डायरेक्ट फ़ोन कीजिए कि पैसा मांगने के लिए आया है और हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। इस स्थिति को पूरे पंचायत में घूम घूम कर किए और तमाम काम के लिए रात दिन गेट खोले रखे, दरवाज़ा खोले रखे, आदमी बैठाए रखे, हम भी बैठे रहे कि एक आदमी मेरे यहाँ से घूरना नहीं चाहिए, उसको सलाह मिलना चाहिए, उसको जो सरकार की व्यवस्था है वो मिलना चाहिए। तो हम आगे विकास की बात नहीं कर सकते इसलिए कि अभी जो विकास हुआ है इसके बारे में जनता समझ रही है, जनता जान रही है। विशेष मैं कुछ नहीं कह सकता, जल नल हो, सड़क हो, लाइट हो, बिजली हो, यहाँ तक कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर और भी जो सामाजिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास होता है, इसके लिए भी हम लोग लगातार निरंतर इस बात के लिए जारी रहते हैं, अपना प्रयास जारी रखते हैं। और विकास के बारे में ये तो इनको समाज के जितने लोग हैं, पंचायत के जितने लोग हैं, वो बताएंगे विशेष कि क्या विकास हुआ, पहले क्या विकास हुआ था और अभी क्या विकास हुआ है इस सत्र में। साथ ही शिक्षा का और स्वास्थ्य में कुछ कमी रहा है, हम भी महसूस कर रहे हैं, सरकार की कुछ परेशानियां हैं इसके कारण भी हम लोग फजीहत झेल रहे हैं। लेकिन हम आगे के लिए ये कहना चाहते हैं कि आगे अपने स्तर से, सरकार के स्तर से भी शिक्षा और स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास होगा और इसको भी हम एक नंबर में ले जाएंगे। इसमें कुछ कमी रहा है, कुछ दोष रहा है,
कुछ निगरानी में कमी हुआ है, साथ ही सरकार की भी कुछ कमियां हैं जिसके कारण हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन जनता के लिए ये कहना है कि हमारा सबसे एक नंबर में शिक्षा और संस्कार था। साथ ही ये स्थिति है कि विकास के लिए जनता भी बता सकती है इनको कि क्या विकास पंचायत में हुआ है।